हेलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो जैसा कि आप ये रैंकर स्टॉक कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टॉप 100 रैंक लेकर आए हैं उनकी सीरीज ये चल रही है। हर रैंकर से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अभी इस सेशन के लिए हमारे साथ जो प्रेजेंट हैं महेश तुर्थिका, जो कि AIR 5 इन्होंने अपने आप की रैंक प्रोड्यूस की और लास्ट ईयर की 700 समथिंग रैंक से 5 रैंक तक की जर्नी के बारे में इनसे सीखेंगे। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन महेश फॉर दिस सुपर्ब रैंक। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सो महेश, ये वन डिजिट रैंक आसान तो नहीं होती। ये वन डिजिट रैंक लोगों का सपना होता है और आपने उस सपने को पूरा किया है। सो कैसा फील हो रहा है अभी? सर लाइक फर्स्ट तो जब रिजल्ट देखा था पेपर तो बिल्कुल अच्छा नहीं था मेरा। पेपर देने के बाद तो फिर पूरा हो भी नहीं था क्योंकि बहुत ही कम स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली। और फिर उसके बाद तो फिर लगा ही नहीं। और फिर आज जब कल मैंने आपसे बात किया था एक बार कि सर आप रैंक प्रेडिक्टर में एक बार फिर से बता दीजिए कि कितने रैंक आने की पॉसिबिलिटी है मेरी करके, तो आपने सर बिलो 10 बताया था कि इतने रैंक आ जाएगी करके। तो पहले तो सर 62.67 मार्क्स है और उस पर सर लास्ट ईयर 88 था और आप मीन्स ये टाइम आप बता रहे कि बिलो 10 आ जाएगी करके, तो फिर वो थोड़ा डाउट था मुझे एक्चुअली। बिल्कुल बिलीव ही नहीं था कि आप बिलो 10 आप प्रेडिक्ट करें करके। तो जैसे ही आज फिर रिजल्ट देखा तो उसमें दिखा कि ऑल इंडिया रैंक 5 आया पेपर में करके, तो वो देख के तो एक तो बहुत ही शॉक जैसा लगा कि इतने कम मार्क्स पर ऐसा आ गया। और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर रियलाइज हुआ कि हां मैंने कांग्रेचुलेशन ऑल इंडिया रैंक 5 भी आई है करके। ठीक ठीक ठीक। सो या मनी महेश, एक्चुअली देखा जाएगा तो अब तो यकीन हो गया है कि AIR 5 आ चुकी है, लेकिन ये AIR 5 की जर्नी थी ना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जनरली वो सब यही जानना चाहते हैं कि एक्चुअली कोई उनके एक ऐसे टाइप का होगा जिसकी जर्नी लगभग लगभग उनके सिमिलर रही होगी। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं या फिर जो ड्रॉपर्स होते हैं, तो उनका कुछ सिमिलरिटीज आपसे मैच कर जाती हैं कई बार, उनको लगता है कि हाँ जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही इसने कुछ किया था। एक्चुअली थोड़ा सा अपना जरा एक बार ये बता देना कि एक्चुअल तुमको गेट का कब लगा कि मेरे को गेट प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे स्टार्ट किया, कैसे प्लानिंग की थी, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे, और 2023 अगर जो तुमने दिया था उस टाइम जो तुम्हारी रैंक थी और इस बार जो रैंक में तुमने क्या मेहनत की है, एक बार जल्दी से इसका रिकैप दे देना। यस सर। तो लाइक 2023 का जो मेरा गेट रैंक था वो कुछ अच्छा नहीं था, 700 प्लस था, 702 था प्रिसाइजली। तो फिर तब लगा था कि ठीक है अभी फिर से एक बार अगर सिर्फ 4 सब्जेक्ट मैंने कवर किए थे, 4 से 3, वो भी आपके जो भी यूट्यूब सेशंस आपने पहले के प्लेटफॉर्म से जो लिया था FM का और CRE का और PYQs और FM के PYQs और रिविजन सेशंस, तो सिर्फ उतना पढ़ा और फिर तब भी लाइक उस पेपर में मुझे 45 मार्क्स आ गए थे, 45.67 मार्क्स आए थे 2023 में। तो फिर वो देख के लगा कि अगर 4 सब्जेक्ट ऐसे करके जाने पर इतना अगर मार्क्स आ रहे हैं तो फिर लाइक 5-6 मंथ्स का अगर प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए दिसंबर तक तो फिर इससे तो बेटर रैंक ही आना है करके। तो फिर स्टार्ट किया और फिर लाइक आपके भी जो सारे सेशंस थे लाइक अर्लियर एक प्लेटफॉर्म पे आप जिस पर भी थे मीन्स उसके सारे मैंने सेशंस देखे, रिवीजन सेशंस और फ्री का जो भी कोर्सेस थे आपने लिए थे वो उससे मैंने प्रिपेयर किया था थोड़ा सा। और फिर मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ किए थे, जैसे कि BK दत्ता हो गया, फिर Levenspiel हो गया, लाइक उसका थियरी करता था और फिर बाद में क्वेश्चन उसी में से सॉल्व करता था। और फिर उसके बाद सारे PYQs को मैंने 5-6 टाइम लिख के सॉल्व किया था सो दैट एकदम अच्छे से याद हो जाए, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स और जो भी ट्रिक्स है उसमें वो एकदम याद हो जाए अच्छे से करके। और फिर गेट ट्रिनिटी का फिर शायद सितंबर या अक्टूबर में चैनल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था तो फिर तभी मीन्स उसमें FM के फ्री शीट और बाकी भी सर प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि HPCL का टेस्ट और वो सब प्रोवाइड किया था सर ने। तो एक बार पूरा प्रिपरेशन हो गया फिर मैंने फिर ऐसा सॉल्व करना स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद HPCL और BL का एग्जाम फिर दिसंबर मंथ में था तो फिर लगा कि ठीक है एक बार इसको अगर दे देंगे तो फिर प्रिपरेशन कैसा है क्या है पता चलने के चांसेस है करके। तो फिर HPCL का सर का मॉक टेस्ट मैंने गेट ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे दिया था उस दिन, तो उसमें तो कुछ 80 के आसपास मार्क्स थे मेरे और सर ने बताया कि 88 का कट ऑफ था जनरल का,
तो फिर वो देख के थोड़ा सा डिमोटिवेशन लगा और डर लग गया कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है करके। लेकिन फिर भी अगले दिन जाके HPCL का पेपर लिखा तो उसमें 145.25 मार्क्स आ गए थे मेरे। तो फिर तब देख अच्छा लगा कि ठीक है प्रिपरेशन है, पैनिक नहीं होना है, बस पेपर को एकदम कूलली हैंडल करना है करके। तो HPCL का इंटरव्यू तुमने दिया क्या अभी वाला जो हुआ है? सर नहीं सर, मैंने अटेंड नहीं किया इंटरव्यू, कॉल था लेकिन मैंने इंटरव्यू स्किप कर दिया। एक्चुअली इतना प्रेडिक्शन से इतना बेस्ट रैंक आने का जो पता चल गया था, तो उस चक्कर में यह था कि चलो इससे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी गेट के थ्रू, अच्छा है। और दूसरी चीज ये आती है कि तुमने दिसंबर तक की जर्नी बता दी, फिर जनवरी में हम लोग लेकर के आए थे तुम्हारे लिए अपना जो गेटिनिटी का प्री मॉक टेस्ट, उसमें काफी बच्चों को एक ये लग रहा था कि सर इतने टफ टफ टेस्ट क्यों दे रहे हो, सर क्यों डिमोटिवेट करना चाहते हो, उसमें तुम्हारी रियल फीलिंग क्या थी? तुमने अटेम्प्ट किया था, तुमने क्या फील किया? सर पहले तो पेपर देखा और फिर पेपर में थोड़ा मींस समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि सर बहुत PYQ से तो बहुत ज्यादा अलग था। मींस फर्स्ट टाइम लाइक ऐसे क्वेश्चंस दिखे थे उसमें जो कि कोई बुक में भी मींस एकदम ऐसे तो क्वेश्चंस नहीं थे। तो फिर बाद में देखा, फिर बाद में फिर लगा ठीक है अभी हो गया कम आ रहे हैं ओके। तो उसमें लेकिन फिर एक बार मैंने ये किया था कि जो भी कॉन्सेप्ट्स और वो सब है फिर मैंने वो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ठीक है मीन्स अभी ये क्वेश्चन ऐसे है तो इसको फिर मुझे ऐसे सॉल्व करना है और यहाँ एरर के चांसेस मेरे बन सकते हैं मीन्स कोई भी स्टेप्स में से। तो फिर वो आइडेंटिफाई किया मैंने और फिर जो भी फॉर्मूले मुझे ऐसे लग रहे थे कि भूलने के चांसेस हैं, जैसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला मैथ्स में और ये सब में, तो फिर वो फिर मैंने फिर से लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। लाइक सर तो सेशंस में हमेशा बता रहे थे कि लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो तो ही अच्छे से होगा करके। तो मैंने फिर वही फॉलो किया था, सारा मीन्स पूरा लिखे जो भी शॉर्ट नोट्स थे मैंने फिर उसको बिना देखे फिर पूरा मैं लिखते गया और फिर हो गया मीन्स। चलो तो एक्चुअली अगर गाइस अगर देखा जाए एक एक चीज महेश ने वही फॉलो की है जो हम आपको बताते हैं, लिख के प्रैक्टिस करना, PYQs को बार बार लिख के जो है ना सॉल्व करना, इसके साथ शॉर्ट नोट्स जब अगर आप बना रहे हो तो बिना देखे पहले शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो, आपको लग रहा कुछ मिसिंग है तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हो। तरीके आपके हमेशा वही रहते हैं, करते सब लोग यही हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है जब आप फेथ करोगे, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो महेश ने अप्लाई किया और उसका उसको रिजल्ट मिल चुका है। अब अगर एक चीज अगर पूछे अगर लास्ट में अगर महेश तुमसे कि 5वीं रैंक आ गई है, लेकिन ऐसा जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ तुमसे मिस्टेक्स हुई होंगी, कि अगर वो बाई चांस अगर मिस्टेक ना होती तो मे बी ये रैंक जो है ना तो कुछ और ऊपर होती, तो ये रैंक से तुमने कुछ सीखा होगा, और ऑब्वियसली अब तो तुम नहीं कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने जूनियर्स को एक मैसेज जरूर दे सकते हो जो भी तुमको अभी सुनेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली आपको क्या नहीं करना है। भले ही आपका टॉप रैंक आ जाए लेकिन एक टॉपर भी आपको सलाह दे रहा है कि अगर वो अगर ये गलती ना करता तो वो और इम्प्रूव कर सकता था, तो आप इन फ्यूचर ये गलती अगर ना करो तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। एक मैसेज अपने जूनियर्स के लिए। पहला मैसेज तो ये है कि जो भी बस फैकल्टी बोले टीचर्स बोले बस एकदम पूरा ट्रस्ट करना है उन पर, क्योंकि उन्होंने पहले किया है और इतने बैचेस को गाइड किया है तो उनको लाइक अच्छे से पता है। और शैलेंद्र सर और सुमित सर तो लाइक हर साल ऑलमोस्ट पेपर भी देते हैं गेट का, तो एकदम रियल टाइम वो एक्सपीरियंस भी रहता है कि हाँ ठीक है मीन्स ये टाइम थोड़ा हार्ड आ गया तो प्रेशर कैसे हैंडल करना, वो सारे टिप्स देते हैं। तो एकदम उसको मीन्स वैसे के वैसे फॉलो करना है और कुछ अलग और नया करने की जरूरत है जो एकदम सेट है, जैसे जिसको सर बता रहे हैं कि इसको ऐसे करना है ऐसे करना है तो फिर बस उसको वैसे ही करना है तो फिर हो जाएगा। और दूसरा ये है कि बस PYQs को एकदम अच्छे से करने हैं और नोट्स को एकदम अच्छे से रिवाइज करना है, कि बिना देखे भी अगर लिखना हो तो फिर शॉर्ट नोट्स को फिर पूरा बिना देखे लिख पाए हर एक सब्जेक्ट का। और थर्ड पॉइंट जो है कि थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लाइक एक 10-5 दिन पहले गेट के एग्जाम के थ्रू थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक ये टाइम मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था एग्जाम लिखते टाइम। तो फिर उसमें लाइक मेरे 2-3 क्वेश्चन 2 मार्क के रॉन्ग हो गए थे, तो पंप वाला क्वेश्चन वो सब। तो फिर ऐसे मिस्टेक्स और ऐसे अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेस जो भी है उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए अपने हेल्थ का ध्यान रख के। सो गाइज होता है एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और सोचिए अगर वो 2 क्वेश्चन सही हो गए होते तो शायद महेश की AIR 2 या 1 भी हो सकती थी। बट
मैं हैप्पी हूँ, महेश हैप्पी है, जो आया ये ऑसम था, और हम यही उम्मीद करते हैं कि EIR 1, 2, 3, 4, 5, 10 इनमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, कुछ चंद मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत हो गया तो थोड़ा नीचे आ गया, एक और सही हो जाता तो ऊपर चला जाता, बट क्या फर्क पड़ता है, वन डिजिट मतलब वन डिजिट और सब ऑसम है। सो मैं आपकी इस रैंक के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ना कि सिर्फ आपकी AIR 5 आई, हमारे इन स्टूडेंट्स में जो हमें यूट्यूब से या हमारे टेस्ट सीरीज के लिए गेट ट्रिनिटी में या हमारे गाइडेंस में मूव किए, उनमें से AIR 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 कॉन्टिन्यूसली सारी की सारी रैंक आई है। अब मेरे लिए तो टॉप 100 में नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करना टफ पड़ रहा है, ये रैंक्स हैं। एक टाइम हुआ करता था जब हम लोग काउंट किया करते थे, अच्छा अंडर 100 में कितनी है, 10 हैं, 5 हैं, 6 हैं, यहाँ पर तो टॉप 100 टॉप 10 में ही उससे ज़्यादा आ जा रही हैं। तो ये हमें भी लगता है कि जो हम लोगों ने हार्डवर्क किया ये उसका नतीजा है कि इतने स्टूडेंट्स की कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज का ये रिजल्ट हमें ये शो कर रहा है कि अब नेक्स्ट वन ईयर के लिए हमें और कितना मोटिवेट होना है, क्योंकि हमारे सामने चैलेंजेज ये होते हैं कि नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छा रिजल्ट देना है। तो नेक्स्ट ईयर अब देखते हैं कि उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है, लेकिन इस बार जितनी भी प्लानिंग थी वो सारी की सारी सटीक, एग्जैक्ट, और जो हमने एक प्रेडिक्शन किया था सेम टू सेम वही आया। नेक्स्ट ईयर भी अपने इसी एक्सपीरियंस के साथ फिर से आप लोगों को गाइड करेंगे। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि 22 मार्च से सीआरई के साथ एक न्यू सब्जेक्ट, न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सो आप लोग इनरोल करिए इस समय, आज रिजल्ट आया है तो आज से लेकर नेक्स्ट 3 डेज तक मैक्सिमम ऑफर रहेगा आप लोगों के पास, जिसमें आप लोगों को कोड यूज करना है प्रयास, और उस कोड के साथ आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आप 12 मंथ 9 मंथ 6 मंथ जो आपकी मर्जी है उस ड्यूरेशन के कोर्स के साथ मूव कर सकते हैं, और अपनी जर्नी के साथ 2025 की प्रिपरेशन में मूव करिए, और नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसी रैंक लेकर आइए, वन डिजिट या टू डिजिट, ये हमेशा प्राउड फील कराती है। सो इस सेशन को फिर आज यहीं एंड करेंगे, किसी दिन डिटेल सेशन महेश के साथ फिर करेंगे जहां पर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए और एक एक स्टेप टू स्टेप एवरी मंथ एवरी सब्जेक्ट का एक प्लानिंग पता चल पाए कि ये वन डिजिट रैंक कैसे आती है। सो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एट द एंड डियर महेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर एंड अपकमिंग इंटरव्यूज एंड PI, GD, GT एंड ऑल। बस ऐसे ही जो है ना, आप जैसे अभी तक मेहनत कर रहे थे ऐसी मेहनत करते रहो, है ना, बिकॉज अभी बहुत सारे चैलेंजेस और भी फेस करने हैं तुमको, और उम्मीद करता हूँ वहाँ भी ऐसे तुम जो है ना टॉप करोगे, ठीक है। सो फीलिंग वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू डियर। सो अभी का ये सेशन एंड करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रैंकर स्टॉक सेशन में। कॉन्टिन्यूसली हमारे अभी ये टॉप 20 के सेशन चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, 25 के लिए मोटिवेट होइए, और नेक्स्ट ईयर आप भी सेम रैंक प्रोड्यूस करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बेटा। अगर किसी को कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये CRE लॉन्च कर रहे हैं बेटा 22 मार्च से, और मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, पता नहीं कब आपको काम पड़ जाए, ठीक है। और अभी का सेशन एंड करेंगे, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।